सब्सक्राइब कीजिए। जिला प्रधान बठिंडा जो पटवारी स्ट्राइक बारे गल कर रही है की कहना चाहूंगे? यह स्ट्राइक नहीं चल रही जी, असि सिर्फ वाधू सर्कलों का काम छड़िया गा, जिहड़ा सर्कल साडे कोल हैगा उस ते बकायदा काम चल रहा है। सर अजकल पिछले कमरे ताले दो तीन ताले लगे हुए, उन्होंने बारे की कहना चाहूंगे? तीन कमरे से थोड़े नाल जाके जिवें आपां देखिया ताले लगे हुए, तुसीं मैनूं जिहड़े दिखाए है उस जिहड़े दो पटवारी है वह इस टाइम फर्द केंद्र के आपदे इंतकाल पवा रहे हैगे, ते जिहड़ा एक पटवारी हैगा उहदे कोल दो तहसीलां दा चार्ज हैगा, एक नथाने तहसील का एक बठिंडा तहसील का। इस टाइम पटवारी नथाने तहसील बैठे हैं। कोई उन्होंने नंबर टैग वगैरह हो सकता है, उन्होंने कोई गलबात हो सकती है? गलबात आप उधर एक बार कर भी नहीं है जी, फिर करना फिर कर सकते हैं, कोई उद्देश्य नहीं है। नाले सरकार ने नौकरियां कड़ियां जी पटवारियों वास्ते जी, तो भी पब्लिक इन्नी परेशान इतने होंगी है जी प्रोपर जी? एक पटवारी बनने लिए सर डेढ़ साल की ट्रेनिंग जी सरकार वालों दी गई है, जेडी पिछली भर्ती से सरकार ने कहा एक साल की ट्रेनिंग होगी, वो एक साल की ट्रेनिंग बच्चों की पूरी हो चुकी है, पर वो ट्रेनिंग पूरी होने तो बाद भी बच्चों हजे तक जो नए कैंडिडेट थे उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया गया। ट्रेनिंग दौरान इन्हों यह कहा गया कि जी थोड़ी ट्रेनिंग है वो एक साल की होगी, जबकि वो डेढ़ साल से लै गए फिर तो, जी सैलरी है वो भी लगभग फुल सैलरी 19,000 समथिंग ने कही थी, वह भी हूँ इन्हों सिर्फ 5,000 रुपया मंथली दिता जा रहा है, जिहड़ा कि बहुत थोड़ा है। हूँ जो कोई बच्चा आउट ऑफ स्टेशन आ के इतने रह रहा तो 10,000 रुपया तो यह ला लो भी उन्हों का पीजी का खर्चा है, तो 5,000 पल्ले दे के डेढ़ साल किवें सर्वाइव करेंगे? अस तो यही कहना चाहते हैं भी होर पटवारी की भर्ती की जाए तो जो वर्कलोड है वो घट जाए, वर्कलोड बहुत ज्यादा एक पटवारी को पांच सर्कलों का लोड चल रहा है। स्ट्राइक किस विषय चल रही है मैं दसो? पब्लिक परेशान हो रही है, देखो जे पटवारी कुछ आपदी मंगा रखते तो सरकार भी कसूरवार पहला जो असं किसी तो काम लेना, जे सरकार ने पटवारियों तो काम लेना है तो उन्होंने पहला जो स्ट्रक्चर सारा समान पोस्टा पूरी करे, जे 100 बंदे का काम है उ 30 पटवारी काम करे तो कदे भी ये मतलब लीगल नहीं भी वो कर नहीं सकते, एक बंदे आप 3 बंदे का काम देवे नहीं कर सकता। जे पंजाब दे विच जिन्नियां पटवारियां चाहे वह बठिंडा जिला चाहे गुरदासपुर है चाहे जलंधर है, जिन्नियां पहला पोस्टा पहला सरकार को पूरी भरनिया चाहिए फिर उन्होंने काम डिवाइड होगा, फिर वो आसानी ना काम करे। जो एक पटवारी उत्ते पहली गल तो 3-4 बंदों का बोझ है, दूजा पटवारी साहब को कदे तहसीलदार साहब का फोन आ गया इतने आ गया जी, कदे डीसी साहब का फोन आ गया इतने आ गया जी, कदे SDM साहब का फोन आ गया, डॉक्टर बैठने का टाइम ही नहीं मिलता उन्होंने, कदे किसी की निशानदेही करनी है कदे गिरदौरी करनी है, पटवारी के दफ्तर बैठू फिर लोगों का काम हो, इस करके पटवारी को दफ्तर बैठने का टाइम नहीं मिलता, सरकार इधर उधर भजाई करती है, लोग इतने परेशान होंगे, कज्जल कुआरी होंगे आई कज्जल कुआरी साड़ी। भर्ती लागू करी सी लागू जो जिन्ना चिर भर्ती नहीं करते उन्होंने जी ट्रेनिंग पूरी करा के उन्होंने सीटा तो नहीं पाने उन्हें चिर काम कभी वंडा जाऊगा, उन्होंने भर्ती तो की टेस्ट ले लिया पेपर हो गए सारा कुछ हो गए पर उन्होंने ज्वाइन तो इन्हें कराया, जे 5,000 रुपया उन्होंने ट्रेनिंग भत्ता मिलता 5,000 का बंद गुजारा किमें चलूगा मैं दसो? 5,000 का गुजारा चल सकता है, तुम अपना 5,000 का परिवार पाल सकते हो नहीं पा, फिर वो पटवारी किमें पालूगा जो ट्रेनिंग करी जाता आपका घर बार छड़ के ट्रेनिंग करता, अज मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये आ पटवारी की दिहाड़ी 5,000 ना कि 200 भी नहीं पैंती जो ट्रेनिंग करते हैं, सरकार दे की रही है उन्होंने, सरकार घट्टो घट जो ट्रेनिंग करता उन्होंने 500 रुपया पर डे दे 15,000 दे जो साल की या 6 महीने जो भी सरकार ने ट्रेनिंग का टाइम पीरियड बनया वो पूरी करने के बाद उन्होंने कोई ना कोई एरिया उन्होंने संभावे उन्होंने ज्वाइन करावे उस एरिए हल्के हल्का देवे उन्होंने कोई अभी तो कहने सरकार को कहना भी पहला सीटा पूरी करो पटवारियों दी, जो तुम सीटा पूरी करोगे हल्का वाइज पटवारी लगोगे फिर काम ना कर फिर पटवारियों के उत्ते सख्ती करो, जो पटवारी पूरे नहीं असं एक एक बंद 3 बंद का काम देवे तो कुदरती गल भी नहीं कर सकता, फिर अभी सख्ती करके की करा सख्ती असी कर सकते जो बंदे को पूरा टूल पूरा हो बंदे को समा पूरा हो बंदे को टाइम पूरा हो सारा स्ट्रक्चर पूरा हो सारा रिकॉर्ड पूरा हो इतने का रिकॉर्ड ही नहीं दुरुस्त पूरा पटवारी की करूगा, जेडे पिछले पटवारी गलतियां करके 30-40 साल पुराने रिकॉर्डा चो मतलब कोई अमल नहीं होया किसी का इंतकाल कोई कुछ नहीं होया सुधारण भी बड़ा टाइम लग जाता।
इस करके सरकार चाहिए पहला पटवारियों पोस्टा पूरी कर पोस्टा पूरी करने उन्होंने काम डिवाइड हो गए फिर जो पटवारी नहीं करते फिर सरकार सख्ती करे बिना गलत एवं सख्ती करने का कोई फायदा नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।